नागपुर कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा कर्मचारी, शिक्षक, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रलंबित मांगों को लेकर संविधान चौक पर भव्य धरना आंदोलन किया गया। मांग पूरी न होने पर आंदोलन तीव्र किया जाएगा, ऐसा राष्ट्रीय नागपुर कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज के अध्यक्ष सुरेंद्र टिंगे द्वारा कहा गया। राष्ट्रीय नागपुर कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा संविधान चौक में भव्य धरना आंदोलन किया गया। कई मांगों को लेकर राष्ट्रीय नागपुर कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन की बैनर तले मनपा के कर्मचारी, शिक्षक, अन्य कर्मचारियों द्वारा सातवें वेतन आयोग का बकाया निधि दिवाली के पहले कर्मचारियों को दिया जाए, सरकार के निर्णय के अनुसार 11% महंगाई भत्ता लागू किया जाए, साथ ही अन्य मांगों को लेकर धरना आंदोलन किया गया है। आज नागपुर महानगरपालिकेतील कर्मचारी, शिक्षक आणि सेवानिवृत्त कर्मचारी यांना दीपावलीपूर्वी सातव्या वेतन आयोगाच्या बकाया राशीपैकी 5 टप्पे दीपावलीपूर्वी देण्यात यावं ही आमची प्रमुख मागणी आहे। त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने 11% वाढीव महागाई भत्ता लागू केलेला आहे, तो महागाई भत्ता ह्या ऑक्टोबर पेढी नोव्हेंबरच्या पगारात सर्व कर्मचारी, शिक्षक आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना लागू करावा ही दुसरी मागणी आहे। तिसरी मागणी, सातवा वेतन आयोग लागू करत असताना त्या ज्या शिफारसी होत्या त्या शिफारसीनुसार आधी 2 पदोन्नत्या ज्यांना मिळाल्या नाही त्याच्याकरता कालबद्ध पदोन्नती आणि सुधारित आश्वासित प्रगती योजना होती, आता 3 केलेल्या आहे 10, 20, 30 वर्षाच्या नोकरीनंतर, त्या जशाच्या तशा नागपूर महानगरपालिकेने स्वीकाराव्या आणि त्याचा लाभ कर्मचाऱ्यांना, शिक्षकांना द्यावा ही मागणी होती। राष्ट्रीय नागपुर कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा कई मांगों को लेकर धरना आंदोलन किया गया है। मांगे पूरी न होने पर तीव्र आंदोलन का इशारा भी दिया गया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज, नागपुर।